Dog Brain! वो गुस्से में लगते हैं, जैसे वो सच में हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हो। शायद मैंने कुछ कहा होगा, मेरे साथ ये हमेशा होता है। गॉड, वो क्या कर रहे हैं? चेक करता हूँ, मुझे कवर करो। मुझे ग्रेन्यूक स्लग्स पसंद है। अरे नहीं, डॉक्टर ब्लैक आ रहा है। उन्हें खत्म करते हैं बॉस। आगे बढ़ते रहो, अब वो भागकर कहीं नहीं जा सकते। भागने का कोई रास्ता नहीं बचा। प्रांटो अपने आखिरी स्लग तक लड़ेगा जी। वैसे ये आखिरी बचा मेरे पास। इलाई, वो हमें पीछे धकेलने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी उसमें गहरी खाई। डॉक्टर ब्लैक को लगता है वो हमें अपने जाल में फंसा लेगा, पर हम उसे गलत साबित करेंगे। चलो मेरे साथ। इलाई, हम बुरी तरह फंस चुके हैं, ये तो डेड एंड है। ब्लैक चाहता है कि हम खाई में जाएं, तो चलो उसकी ख्वाहिश पूरी करते हैं। कुछ नहीं होगा, बस हमें उस नए गैजेट को इस्तेमाल करना होगा। उस लाल लिवर को खींचो अभी। ठीक है, उतरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं ठीक हूँ, छोड़ो मुझे। मुझे बच्चों की तरह संभालने की जरूरत नहीं है। आप खड़े रह के तमाशा मत देखो, मेरी मदद करो जी। दोस्तों वो देखो। तो आपको लगता है वो बच गए होंगे बॉस? अगर किसी तरह वो बच भी गए तो भी वो ऊपर नहीं आ सकेंगे। चलो चले यहाँ से। मैं इस चीज को यहाँ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। तुम्हें क्या लगता है क्या है वो? मैंने इस चीज को पहले भी देखा है, ये बिल्कुल ड्रॉप की तरह दिख रही है। अगर शेन्स ऊपर की दुनिया से स्लगटेरा तक लिफ्ट्स बना सकते हैं, तो वो स्लगटेरा से यहाँ तक भी बना सकते हैं। पर एक शेन यहाँ क्यों आना चाहेगा? सुनकर अच्छा लगा कि तुमने पूछा, क्योंकि प्रांटो ने अच्छी तरकीब सोच रखी है। ये देखो जी। प्रांटो, ये क्या हो सकता है? पता नहीं, पर ये जो भी है वो यहाँ आने के लिए बहुत बेताब है। चलो। सुनो, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? ये क्या है? वो तो स्लग्स हैं। इनमें कुछ तो अलग बात है। जहाँ तक मुझे पता है ये जरूर फोर्स फील्ड होगी, और मैं ये जानना भी नहीं चाहता कि उन्हें क्या रोक रहा है। इलाई, शैडो क्लैन। दोस्तों बिल्कुल शांत रहना, अब जरा भी हलचल मत करना।
मैं सिर्फ ये चीज पहनने वाला हूँ ताकि मैं तुम्हारी बात समझ सकूँ, ठीक है? मैं हूँ इलाय शेन, ये मेरे डैड की है। ये कौन सी जगह है? ये ज़ाटेर का बॉर्डर है। तुम एक क्रॉसिंग पर आए हो, और वो भी वहाँ पर। क्रॉसिंग? कहाँ पर? गहरी गुफा से, डार्क ग्रीन का घर, सिर्फ गार्डियन स्लग्स इसको नजदीक आने से रोक सकते हैं। गार्डियन स्लग्स? जो सबसे पावरफुल स्लग्स है। ये कह रहा है कि फोर्स वॉल पर कोई हमला कर रहा है जिसकी वजह से स्लग्स कमजोर हो रहे हैं और गार्डियंस बस आते ही होंगे, पर पता नहीं वो कितने वक्त तक उन्हें संभाल पाएंगे। वो कभी भी गिर सकती है। क्या हमारे स्लग्स काम आएंगे? तुम्हारे पास भी पावरफुल स्लग्स हैं। वाह क्या बात है, पर गार्डियंस स्लग्स जैसा बनने तो और गार्डियन स्लग्स की मदद आने तक हमें किसी तरह फोर्स वॉल को गिरने से रोकना ही होगा। इसे मजबूत बनाने का मुझे कोई और तरीका नहीं सूझ रहा। मैं मजबूत बनाने की बात नहीं कर रहा, मैं लड़ने की बात कर रहा हूँ। तुम इसे अपनी जान दांव पर लगाओगे? हम शेन गैंग हैं और यही हमारा काम है। हम पैसेज को खोलने का रिस्क नहीं ले सकते, पर ये शैडो वॉकर दुनिया ले जा सकता है। तुम अच्छी खबर सुनना चाहते हो या बुरी खबर? एक बार अंदर गए तो शायद बाहर नहीं आ पाएंगे। उसने कहा कि हम अंदर होंगे तो ये काम नहीं करेगा। और अच्छी खबर क्या है? हम उन राक्षसों से स्लग टेरा को बचा सकते हैं। जैसा कि उसने कहा, अगर डार्क बेन आर्मी अंदर आ गई तो फिर हम उन्हें नहीं रोक पाएंगे। तो फिर इंतजार किस बात का? जल्दी करो, जाओ। गहरी गुफा में तुम्हारा स्वागत है। ये जरूर डार्क बेन होगा। इशारे पर स्लिंग करना शुरू करो। तैयार, फायर! हमारे स्लग्स को क्या हुआ? वो ट्रांसफॉर्म नहीं हुए। यहाँ की काली ताकत उनकी ताकत को कमजोर कर रही होगी। हे तुम, या तो सरेंडर करो या हमसे लड़ो। ये तो लावा फेंक रहे हैं। काला पानी, तुम हमारे साथ आओ। वैसे इसके अलावा मुझे कोई रास्ता भी नहीं दिख रहा। ये तो गूल से भी खतरनाक दिख रहे हैं। इलाय, देखो। देख रहा हूँ, वो सूरज है। यहाँ इस जगह तुम्हारे जैसे लोग बहुत कम ही आते हैं। तुम्हारे गार्डियन स्लग्स को इस बात का ख्याल रहे। कौन हो तुम? मैं हूँ ब्रिमस्टोन, डार्क बेन का दाहिना हाथ। मुझे बताओ तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम हमारे फोर्स फील्ड को नुकसान पहुँचा रहे हो, हम तुम्हें रोकने आए हैं। और वो काम कैसा चल रहा है? ठीक ठाक चल रहा है, पर इस वक्त
गार्डियन स्लग्स की एक आर्मी पैसेज की सुरक्षा के लिए आने वाली है और वो बस वहाँ पहुँचने ही वाली होगी। तो आने दो, अगर हमारा बेहिमत नाकामयाब हुआ तो उस राज्य तक पहुँचने के दूसरे तरीके भी हैं। और जब स्लग तेरा बर्बाद हो जाएगा तब जो हमारा है हम उसे पाकर ही रहेंगे। सब कुछ हमारे हाथों में ही होगा। हम तुम्हें रोकेंगे, पूरा स्लग तेरा रोकेगा तुम्हें। मैं तुम्हारे हिम्मत की दाद देता हूँ लड़के, तुम्हारी फोर्स फील्ड बस टूटने ही वाली है। डार्क बेन की गैंग आखिरी हमले की तैयारी कर रही है, तुम अब बस देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। अच्छा तो ये बात है, ये कह रहा है ये तुम्हें जानता है, ये कहता है तुम शेन हो, मतलब तुम मेरे काफी काम आ सकते हो, और इस यंग शेन की वजह से तुम्हारी जान बच गई। इनके रहने का बंदोबस्त करो, तुम लोग अपने स्लग्स अपने पास ही रख सकते हो। इससे तुम्हें ये पता चल जाएगा कि तुम यहाँ कितने कमजोर हो। सुनो, तुम्हें कैसे पता चला मैं कौन हूँ? चलो तुम्हारा नाम तो बताओ, इतना तो कर सकते हो। हमें यहाँ से निकलना ही होगा इलाई, वो बेहिमत फोर्स फील्ड को किसी भी वक्त गिरा सकता है। जानता हूँ, उम्मीद है वो हमें सोने के लिए नरम गद्दा देंगे जी, क्योंकि पत्थर के ऊपर मुझे नींद बिल्कुल नहीं आती। चलो हम वहां छिपते हैं। ये ठीक नहीं लग रहा है इलाय। ऐसा कोई तो रास्ता होगा जिससे हमारे स्लग्स ट्रांसफॉर्म हो, इस काली ताकत को कोई तो तोड़ता होगा। काला पानी, क्या तुम्हें वाकई ऐसा लगता है? कम ऑन, अगर उसके पास आइडिया है तो हमें उसे सुनना चाहिए। एक रास्ता है जिससे हमारे स्लग्स ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं, हमें उन्हें गूल करना होगा। ये सच में बढ़िया आइडिया है। क्या? काले पानी की इविल एनर्जी से गूल्स और पावरफुल हो जाते हैं। ये वही एनर्जी है जिससे हमारे स्लग्स ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाते। शायद गूल्स बनते ही वो इम्यून हो जाएंगे। क्या? गूलिंग करने का मैकेनिज्म बड़ा ही आसान है, मैं अपने ब्लास्टर मॉडिफाई कर सकता हूँ। वो इतने पावरफुल नहीं बनेंगे जितने डॉक्टर ब्लैक के गूल्स हैं, पर वो पावरफुल तो होंगे ही। मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम लोग इससे सहमत हो, हम लोग जिसके लिए लड़ रहे हैं उसके ये बिल्कुल खिलाफ है। और अब हम उनके खिलाफ लड़ रहे हैं। ये निकालने के लिए उंगली टेढ़ी भी करनी पड़ती है और इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। घर पहुँचते ही डॉक उन्हें पहले जैसा कर देगा। मैं ये सब समझता हूँ, पर ऐसा कोई तो रूल होना चाहिए जिसे हम भी नहीं तोड़ते, पर लगता है दूसरा कोई चारा नहीं है। क्या तुम लोग वाकई ये करना चाहोगे? तो ठीक है, पर हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। इसके लिए मुझे माफ करना बर्पी। ये अभी क्यूट लग रहा है पर साथ में थोड़ा सा ईविल भी लग रहा है। बोपी, कुछ चीज़ें कभी नहीं बदलती।
दोस्तों, बॉबी की आग की रोशनी से उन्हें पता चल गया होगा। हमें हर हालत में फोर्स फील्ड को बचाना है और हम गुल्स के इस्तेमाल से बहिमत को रोकेंगे। सब लोग याद रखना, यहाँ पर काला पानी है, तो जरा संभल कर। मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता ये। तुम सरेंडर करो या फिर हमसे लड़ो। हाँ हाँ, हम ये डायलॉग पहले भी सुन चुके हैं। वॉल की तरफ चलो जल्दी। बहुत बढ़िया, चलो। रुक जाओ, मैं तो पीस के रख दूंगा। ये आखिरी वाला था, तो तैयार हो जाओ दोस्तों, उस बेहिमत को रोकते हैं। ये कुछ ज्यादा ही बड़ा है और हमारे गोल्स बहुत छोटे हैं। तो हम उस ड्रैगन को कैसे रोकेंगे? अगर हम उसे नहीं रोक सकते तो चलाने वाले पर निशाना लगाओ। तुमने हमारे काले पानी का इस्तेमाल किया है, ये काफी मशहूर बनता जा रहा है। ओह, तुम पहले इंसान नहीं हो जो यहाँ आया हो। हम काफी इंसानों से निपट चुके हैं, शेन से भी। फिर से हमला करो, फोर्स फील्ड गिरने ही वाली है, वो गार्डियन स्लग्स कमजोर हैं। आखिरकार क्रॉसिंग की तरफ जाओ, हम उन्हें दूसरी तरफ से रोकने की कोशिश करते हैं। हाँ हाँ, जानता हूँ, हम उन्हें बाद में ठीक कर देंगे। इलाय, जो भी बचा है सबसे हमला कर दो, हम उन्हें अंदर नहीं जाने दे सकते। ठीक है बॉबी, दिखा दो अपना कमाल। बन रही है,
देखो डॉग की वजह से। इलाय, भागो जल्दी वरना हमेशा यहीं रहना पड़ेगा। जल्द ही फिर से मुलाकात होगी शेर। तुमने इस बार तो वाकई बाजी मार ली डॉक। इस लक्स को गूस में बदल कर तुमने बहुत बड़ी गलती की है जिसे भुलाया नहीं जा सकता। शायद तुम नहीं जानते पर ये आइडिया स्लक्स नहीं दिया था। ये कह रहा है पहले जब इसने कहा था हमारे स्लग्स गार्डियन बनने के काबिल नहीं है वो एक को भूल गया था। एक स्लग को गार्डियन स्लग होने से बड़ा खतरा और कोई नहीं हो सकता। हमें तुम पर नाज है डॉक और हम तुमसे जल्द ही मिलने आएंगे मैं वादा करता हूँ।